ऐसी पांच चीजें जो आपके स्टेमिना को 10 गुना करने वाली हैं। ये पांचों चीजें जिसमें मैं एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करने वाली हूँ जो कि आपको नेचुरली स्टेमिना को बढ़ाएंगी। ये क्या है पांच चीजें, चलिए बात करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि स्टेमिना सिर्फ आपको भागने दौड़ने के लिए नहीं चाहिए, डे टू डे रूटीन के लिए नहीं चाहिए, स्टेमिना चाहिए हमारी लाइफ को और प्लेजरेबल और इंटीमेट बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो वाइफ्स ये वीडियो देख रही हैं, अपने हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड को जरूर शेयर करें। जब हम स्टेमिना की बात करते हैं तो बहुत से लोग स्टेमिना के लिए इंजेक्शंस लेते हैं या फिर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जो कि स्टेरॉयडल होते हैं, या फिर ऐसी अंग्रेजी दवाइयों पर जाते हैं जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत से बदतर हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में ऐसे नेचुरल हर्ब्स हैं जो सदियों से उनकी पावर और स्टेमिना के लिए हैं, लेकिन हम उन्हें यूज करना भूल जाते हैं या फिर उनकी क्वांटिटी इतनी अजीब होती है कि हम उसे नहीं ले पाते। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको कैसे लेना है या फिर उनको गोली के फॉर्म में खाना है, किसी और फॉर्म में खाना थोड़ा सा बिटर होता है। मैं आज आपको बताऊंगी आप इसको इजी तरीके से भी कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर रखेंगे अश्वगंधा। अश्वगंधा आपकी मेमोरी के लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपके स्टैमिना के लिए, हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। नींद में इश्यूज हैं, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहता है, फर्टिलिटी में इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आंखों की रोशनी में दिक्कत है, हर चीज के लिए अश्वगंधा फायदेमंद है। अश्वगंधा आपको आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है। अश्वगंधा का सेवन अगर आप करने लगते हैं तो कुछ समय में आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे कि आपका स्टेमिना रिपेयर करता है। दूसरे नंबर पर रखती हूँ मैं शिलाजीत। शिलाजीत इंडिया में इसका बहुत ही रिच सोर्स है, क्योंकि हमारे पास अच्छे हिमालयन रेंजेस हैं जहाँ पे हाई अल्टीट्यूड से बहुत ऊंचाइयों से शिलाजीत को लिया जाता है, उसको रिसोर्स किया जाता है। और शिलाजीत आपको रेजिन, टैबलेट इन सब फॉर्म्स में मार्केट में मिलता है। शिलाजीत मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। ये भी आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एजिंग प्रॉपर्टीज या स्किन के लिए, आपके जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप शिलाजीत को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी एक नेचुरल फर्टिलिटी बूस्टर है जो कि हेल्प करता है आपके स्टेमिना को इंक्रीज करने पे। तीसरे नंबर पे मैं रख रही हूँ सफेद म्यूसली। सफेद म्यूसली का नाम ही अगर आप सुनते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये सेक्सुअल पावर या स्टेमिना की बात की जा रही है। सफेद म्यूसली एफ्रोडियासिक है जो कि कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग या पावर को इंक्रीज करता है। साथ साथ आपके पेनाइल एरिया की ग्रोथ, मसल रिपेयर, इसके लिए भी सफेद म्यूसली अच्छा है। स्पर्म काउंट की बात करूं, टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करने के बारे में बात करूं, या फिर प्रीमेच्योर जिनको इश्यूज हैं उसके लिए भी सफेद म्यूसली काफी अच्छा है। चौथे नंबर में मैं बात करने वाली हूं गोक्षुर के बारे में, जो आपको इसमें डेफिनेटली मिलेगा। गोक्षुर को भी हम एफ्रोडियासिक रेजुनुवेशन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, मतलब जो मरम्मत है या रिपेयर का काम है वो गोक्षुर करता है। गोक्षुरा या गोक्षुर दो वर्ड से बना है, गो मीन्स काउ एंड शुर मीन्स द होप्स, मतलब काउ जितनी पावर और द स्ट्रेंथ वो आपको गोक्षुर देता है। एफ्रोडियासिक है, फीलिंग्स को इंक्रीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है ये मिक्सचर कि आपके ओवरऑल स्टेमिना को हम वापस ला सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट नेचुरली। पांचवें नंबर पे मैं रख रही हूं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस को। ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपकी नीचे की मसल स्पेशली स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स योर थाइस टू योर लोअर एरिया, अगर इसको इंक्रीज करती है तो भी ये धीरे धीरे आपके स्टेमिना को वापस लाती है। इसके अंदर हम स्क्वाट्स ले सकते हैं, वेट लिफ्टिंग ले सकते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज सिर्फ आपके स्टेमिना और स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाती, इसके अलावा जिसको यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है, यूट्रस नीचे आ जाता है, या फिर जिनको यूरिन बहुत जल्दी जल्दी गिरता रहता है, या प्रोस्टेट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या सेक्स करने में कोई डिफिकल्टीज होती हैं, प्रीमेच्योर इश्यूज हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। या आप चाहें तो अपने जिम इंस्ट्रक्टर या योगा टीचर से पूछ के इन्हें डेली 20-20 के रेपिटेशंस कर सकते हैं, ताकि आपका ये जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना है इसे वापस आप रीबिल्ड कर पाए। सो मैंने आपको बताई है पांच ऐसी तकनीकें जो कि बहुत आसान है आपके स्टेमिना को रीबिल्ड करने के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं उसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, इन पांचों चीजों को यूज करें और फिर देखिए आपका स्टेमिना कैसे इंक्रीज होता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया डेफिनेटली ट्राई दिस आउट, और कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें।